सिंचाई यंत्र पर मिल रही सब्सिडी 27 जनवरी तक करें आवेदन, जानें आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया। भारत सरकार की ओर से कृषि को बढ़ावा देने, कृषि विकास और किसानों की आय दुगुनी करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसके लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर किसानों को सुविधा प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकारें भी अपने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित करती हैं, ताकि किसानों को फसल का अच्छा उत्पादन मिल सके। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के किसानों के लिए सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र मुहैया कराए जा रहे हैं। ये सब्सिडी कृषि विभाग द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के तहत दी जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। अगर किसान सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा कृषि को उन्नत बनाने के लिए कई आधुनिक यंत्रों के प्रयोग की सलाह दी जाती है। आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग करने से किसान उत्पादन और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी होती है, वो भी कम श्रम और कम लागत में। लेकिन ये आधुनिक यंत्र खरीदना हर एक किसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इतने महंगे होते हैं कि इनके लिए पूंजी जुटाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इन्हीं किसानों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लाभार्थ सरकार की ओर से समय समय पर सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को कुछ कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे हैं। जानिए किन किन सिंचाई यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी। स्प्रिंकल सेट, पाइपलाइन सेट, विद्युत पंप, मोबाइल रेनगन, इन सिंचाई यंत्र पर मिल रही इतनी सब्सिडी। इस योजना के तहत किसानों को पाइपलाइन सेट पर 50% की सब्सिडी मिल रही है, पंप सेट पर 50% सब्सिडी या 10,000 रूपए जो भी कम हो मिलेगी। मोबाइल रेनगन पर लागत का 50% सब्सिडी मिलेगा। स्प्रिंकल सेट पर लघु सीमांत किसानों को लागत की 55% सब्सिडी मिल सकती है। अन्य समस्त वर्ग के किसानों के लिए लागत की 45% सब्सिडी दी जाएगी। जानिए इन जिलों के किसान कर सकते हैं सब्सिडी के लिए आवेदन। वर्ष 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत सब्सिडी पर सिंचाई यंत्रों के लिए मध्य प्रदेश राज्य के कई जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इसमें कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडौरी, मंडला, नरसिंहपुर, दमोहा, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, सतना, उमरिया, अनूपपुर, रायसेन, होशंगाबाद और बैतूल का नाम शामिल है। इन जिलों में रहने वाले इच्छुक किसान स्प्रिंकल सेट पाइपलाइन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं योजना के तहत सब्सिडी पर सिंचाई यंत्रों जैसे स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन, विद्युत पंप, मोबाइल रेनगन के लिए कटनी, सिवनी, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना, खंडवा, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा एवं राजगढ़ में आवेदन मांगे गए हैं। सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए कब करें आवेदन। इस योजना के तहत किसानों से 15 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक पोर्टल पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदन में से चुने गए किसानों के नाम 28 जनवरी 2021 को संपादित की जाएंगे। चयनित किसानों की सूची और प्रतीक्षा सूची शाम 5 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगी। इसके बाद चयनित किसानों को योजना के तहत सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र दिए जाएंगे। सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए ये दस्तावेज जरूरी है। आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र आदि। सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए नियम और शर्तें। इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश के किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि है। किसानों को आवेदन के 7 दिन के अंदर सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा। किसानों को इस बात से भी अवगत कराया जाता है कि इसके साथ ही विक्रेता द्वारा काटे गए बिल पर लिखी गई कीमत के अतिरिक्त प्रकरण पास कराने, जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिए किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जाए। ऐसे करें सब्सिडी लेने के लिए आवेदन। मध्य प्रदेश के किसान सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस साल कोरोना महामारी की वजह से पोर्टल पर सब्सिडी के लिए प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। इसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू हो गई है। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जब किसान द्वारा आवेदन भर दिया जाएगा तब उनके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP के जरिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। बता दें कि पोर्टल अंतर्गत आगे संपादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू होगी। इससे अधिक और जानकारी हासिल करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर जानकारी जुटाएं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश, इससे जुड़े लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।